एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल क्रिएटिव मशरूम फार्मिंग में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको स्पोर प्रिंट से स्पोर सीरेंज बनाने के लिए बताएंगे। दोस्तों आपको मालूम ही है कि मशरूम के व्यवसाय में मशरूम उत्पादन ही सबसे बड़ा मशरूम उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान रहता है। मशरूम उत्पादन बनाने के लिए हमको मशरूम मदर कल्चर की जरूरत होती है। मदर कल्चर हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो फिर आप टिश्यू कल्चर कर सकते हैं या दूसरा स्पोर कल्चर। तो स्पोर कल्चर करने के लिए हमें डायरेक्टली या फिर आप स्पोर प्रिंट का यूज कर सकते हैं, या फिर लिक्विड कल्चर से बना सकते हैं, या फिर जो अपने स्पोर सिरिंज बना के उसको डायरेक्टली सबस्ट्रेट पे इनोकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको स्पोर सिरिंज बनाने के लिए बताएंगे। दोस्तों स्पोर सिरिंज बनाने के लिए हमें कुछ कुछ सामग्री की जरूरत होती है, जिनकी लिस्ट स्टराइल वाटर, 10 ml का सिरिंज, जिप बैग, स्पोर प्रिंट, जार, स्काल्पेल, स्प्रिट लैंप और ग्लव। सबसे पहले प्रक्रिया में दोस्तों हम एयर फ्लो चैम्बर को चालू कर सकते हैं। आप इनोकुलेशन बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, काफी सेफ्टी होगा क्योंकि उसमें काफी कुछ भी कंटामिनेशन नहीं आता है बाहरी वातावरण से। एयर फ्लो चैम्बर को चालू करने के पश्चात वर्किंग एरिया को हम स्पिरिट से साफ कर लेते हैं, पूरे वर्किंग एरिया को। इसके पश्चात हम एक जार लेते हैं, जार में ही हमको स्पोर जो है उसको करना है। इसके लिए हम कलेक्ट किए हुए स्पोर प्रिंट को लेते हैं। देखिए हमने स्पोर प्रिंट कलेक्ट किया था 19/1/2022 को, और इस प्रिंट को हम निकालते हैं बाहर जीप बैग से। काफ़ी सावधानी से निकालते हैं और एयर फ्लो चैम्बर के अंदर ही काम करें ताकि कंटामिनेशन ना आए। देखिए किस तरह से इसमें स्पोर प्रिंट ग्रो किया हुआ है, आप देख रहे हैं। इसमें से कुछ स्पोर प्रिंट को हम स्काल्पेल से खरोच के ले लेते हैं, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। सारे स्पोर को हम इस जार में ले लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा सावधानी भी बरतें आप, या तो फिर देखिए दोस्तों इसमें स्पोर कलेक्ट हो चुके हैं। अब इस स्पोर में हम स्टराइल वाटर डालेंगे। स्टराइल वाटर हम डालने के लिए एक 10 ml का सिरिंज लेते हैं जो हमारे पास है। इस 10 ml के सिरिंज को फाड़ने के पश्चात स्टराइल वाटर 10 ml ले लेते हैं। अब इस स्टराइल वाटर को हम इस स्पोर में डाल देते हैं। इसके पश्चात हम इसको सारी सावधानी बरतते हैं, इसको केप वापस लगा देते हैं।
जब तक कि हम ईश्वर को ना घोल लें। और दोस्तों हम इस प्रकार से ईश्वर को घोल लेते हैं और हमारा देखिए ईश्वर का सस्पेंशन तैयार हो चुका है स्टाइल वाटर में, आपको दिख रहा होगा है ना, हेजीनेस दिए हुए। ये हमारे ओयस्टर मशरूम का ईश्वर प्रिंट है। अब हम दोबारा इसी सस्पेंशन को वापस सिरिंज में ले लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा स्पोर इसमें वापस आ गया है, ये स्पोर का सस्पेंशन बन चुका है। हम इसको कैप ढक देते हैं और ये इसको अच्छी तरह से रख देते हैं। तो दोस्तों ये तैयार हो गया हम लोग का स्पोर सीरीज। इस स्पोर सीरीज का उपयोग हम तुरंत नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो स्पोर थे वो डिहाइड्रेटेड है। अब उसे हाइड्रेटेड होने के लिए कम से कम 24 से 36 घंटे तक का टाइम लगेगा। ये अभी इसको हम कम से कम 1 से 2 दिन तक छोड़ देते हैं, उसके बाद ही हम इसको यूज करेंगे। अब या फिर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं अगर आगे के लिए स्टोरेज करके रखना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप 6 महीने से ज़्यादा मत रखें, उससे पहले ही यूज कर लें। हमने दोस्तों आपने देखा होगा कि निरील को हम लोग स्पिरिट लैम्प में रेड हॉट तक गर्म नहीं किए क्योंकि करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ही हमने न्यू सीरीज निकाला था। अब स्पोर प्रिंट बनने के पश्चात इसको हम लोग लेबलिंग कर देते हैं ताकि हमको ये पहचान में रहे कि ये किसका स्पोर है और हमने इसको कलेक्ट किया था। दोस्तों इस तरह से हमने इसको लेबलिंग कर दिया है ना, ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको लेबलिंग कर दिया है और ये हमारे रखने के लिए तैयार हो गया है ताकि हम आके इसको यूज कर सकें और ये अन्य सीरीज से ना मिले। इसके पश्चात हम इसको जीप बैग में वापस डाल देते हैं ताकि वो बाहरी कंटामिनेशन से बाहर रहे और सुरक्षित रहे। तो दोस्तों इस तरह हम इसको जीप बैग में डाल के भर देते हैं और हमारा ये स्पोर सीरीज तैयार हो गया। दोस्तों आपने देखा कि हमने किस तरह से स्पोर सिरिंज बनाया है और स्पोर सिरिंज बनाने के पश्चात इसका यूज कैसे करना है वो आपको हम बताते हैं। स्पोर सिरिंज को आप या तो फिर डायरेक्टली सबस्ट्रेट पे न्यूक्लेट कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा विधि है, या फिर आप उसको अगर प्लेट पे भी न्यूक्लेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके लिक्विड कल्चर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड कल्चर में आप डायरेक्टली माइसेलियम को ही न्यूक्लेट करिए, जो कल्चर ग्रो करता है उसको न्यूक्लेट करिए, उससे ज्यादा आसानी होगी। और जो स्पोर सीरीज है उसके स्टोरेज की बात करें तो आप उसको काफी दिनों तक रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर करके, फिर भी ज्यादा दिनों तक ना रखें उसको, तुरंत ही बनाए और 1-2 महीने के अंदर ही यूज कर लें, क्योंकि ज्यादा दिन अगर आप रखते हैं तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगता है और माइसेलियम जो उसमें जो स्पोर है जो ग्रो कर रहे हैं उनको सड़ा देते हैं, है ना। तो इससे बेटर ये होगा कि आप मशरूम जो सिरिंज बनाए हैं उसका तुरंत ही यूज करें, ज्यादा दिन ना रखें। रखने के तो वैसे हम उसको 6 महीने तक रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर करके, पर क्या करें, यूजलेस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है जब उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए, आपका कल्चर ठीक से ग्रो नहीं करेगा, आपका सबस्ट्रेट जो निकलेट करोगे उसमें कंटामिनेशन आ जाएगा। इससे बेटर यह है कि आप स्पोर सीरीज को जब जब भी सब्सट्रेट इनॉग्रेट करना हो तो बनाएं, या फिर आप जब भी स्टडी करना चाहते हो उसके स्पोर के बारे में या उसके माइसेलियम के बारे में तभी यूज करें। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो स्पोर प्रिंट के स्पोर प्रिंट से स्पोर कल्चर बनाने स्पोर सीरीज बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस स्पोर सीरिंज को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, उसका ग्रोथ किस तरह से होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।